स्टूडेंट्स एजुकेशनल ग्रुप की ओर से माह रमजान के मौके पर 3 नंबर वार्ड के बेलगछिया इलाके के एक स्कूल में एक प्रोग्राम कर तकरीबन 100 जरूरतमंद लोगों के दरमियान इफ्तार किट्स बांटी गई। इस प्रोग्राम को कामयाब करने में सामाजिक कार्यकर्ता राहुल शाह की अहम भूमिका रही। वहीं इस मौके पर बतौर चीफ गेस्ट कोलकाता पुलिस में DC के पद पर तैनात नमरोज अहमद खान और फैयाज अहमद भी उपस्थित रहे। दोनों ने इस नेक काम के किए जाने पर स्टूडेंट एजुकेशनल ग्रुप के सभी मेंबर और खास तौर पर इसके फाउंडर शादाब खान और राहुल शाह को मुबारकबाद पेश की। वहीं इस खास मौके पर बिलगछिया इलाके के कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनमें मोहम्मद इस्लाम पापा, मास्टर शाह आलम, एडवोकेट अतौल मुस्तफ़ा वगैरह शामिल रहे। कहना क्या है इसमें, तो बड़ी तो अच्छी बात है और बहुत ही नेक काम है। नेक काम ये लोग कर भी रहे हैं और हम लोग की शिरकत इसमें एक हम लोगों के लिए भी एक बाब मुशर्रत की बात है कि हम लोग इस प्रोग्राम में आए हैं और इस मुबारक महीने में इस प्रोग्राम का अहतमाम किया है। जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको कुछ दिया गया है, ये अल्लाह का करम है। यहाँ से क्या मैसेज रहेगा सर, बहुत ही जूनियर शादाब जिस तरह से ये समाज की खिदमत के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, नौजवान नस्ल के लिए क्या मैसेज है? नहीं, जिस उम्र में बच्चा ये काम कर रहा है वाकई ये बड़े काबिले तारीफ की बात है। इससे पहले भी करीब 1.5 साल पहले इस पे ये बच्चा मेरे यहाँ गया हुआ था और इसका एनर्जी देख के मुझे लगा कि ये बहुत आगे जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम मैं इसके प्रोग्राम में पहली बार आया हूँ, फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं और हम लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको और आगे ले जाए और ऐसे काम करने की तौफीक इनको अता दे। प्रशासन के सीरियस डिपार्टमेंट में हैं आप, इस तरह के नौजवान नस्ल के लोग अगर इस तरह से समाज से जुड़े रहेंगे तो मुल्क को कितना फ़ायदा होगा? बिल्कुल, ये बहुत ही पॉजिटिव बात, अगर ऐसे नौजवान सामने आते हैं इस ये काम करते हैं या इस और एजुकेशन के फील्ड में भी काम करते हैं तो ये आपके कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है और ये वक्त की ज़रूरत है, इसको करना चाहिए। एजुकेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये शुरू किया उन्होंने तालीम मैदान में, तालीम के साथ सामाजिक काम में भी जुड़े हुए हैं। एक अच्छा मैसेज है, एक अच्छा मैसेज है कि तमाम फील्ड में स्पेशली तालीमी मैदान में हो, सोशल काम में भी हो, क्योंकि देखिए जो बच्चा तालीम हासिल कर रहा है उसको जानने की भी ज़रूरत है कि समाज में हमें कहाँ क्या ज़रूरत है, इसमें वह शामिल हो और शादाब के साथ आए और शादाब के हाथ मजबूत करें। क्या मैसेज रहेगा सर उन नन्हे बच्चों के लिए जो इस तरह के काम से उत्साहित भी पाते हैं और करने की ललक भी रखते हैं? नहीं, करना चाहिए और ये एक अच्छा प्लेटफार्म है। मैं समझता हूँ कि शादाब का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक अच्छा प्लेटफार्म है नौजवान बच्चों के लिए कि तालीम के साथ साथ आप दूसरे काम में भी जुड़े रहें, जो कि हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे फील्ड में भी काम करें जो हमें समाज के लिए ज़रूरत है। कहीं ऐसा नहीं लगता ऐसे बच्चों को सपोर्ट की भी ज़रूरत है, आप जैसे लोग या अहले सरवत जो लोग हैं, जो लोग फाइनेंशियली थोड़ी साउंड रखते हैं उन्हें भी ज़रूरत है कि इन्हें सपोर्ट करें? मैं इंशाल्लाह, मैं पहले भी कहा हूँ शादाब को, आज भी कहता हूँ आप लोग के सामने कि मैं इसके साथ हूँ, इंशाल्लाह साथ रहूँगा। जिस तरह का जो सपोर्ट है मुझे बहुत खुशी होगी कि यह काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी जाए, अल्लाह पाक इसके काम में तरक्की दे और मैं हमेशा साथ में हूँ और हमारे साथ और जो भी लोग हैं वो भी साथ हैं और हम सब अल्लाह से दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इनको अपने मिशन में कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ने मेरे को एक काम करने वाला देने वाले में से मेरे को चुना कि अल्लाह ताला मेरे ज़रिया काम करने का मौका मिला। और मैं सेकंड शुक्रगुजार हूँ अपना फैमिली का कि मेरे फैमिली मेरे को हमेशा सोशल वर्क काम को करने के लिए अप्रिशिएट करता है, मेरा सपोर्ट करता है, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं काफ़ी रात भी लगता है काम करने में, काफ़ी दिन भी वक्त लगता है कि ये काम को आगे बढ़ाने में, सब चीज़ को मेंटेन करने में, मैनेज करने के लिए। तो मैं अपना फैमिली का भी शुक्रगुजार हूँ और थर्ड मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे नमरोज सर का और फैयाज सर का कि आपने हमेशा मेरे साथ और हमारी टीम के साथ हमेशा सपोर्ट आपका हमेशा रहता है कि आप लोगों को कभी भी हम लोग याद करते हैं कि सर ये हेल्प चाहिए सर, आप लोग हमेशा ना नहीं बोलते, हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैं आप लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और चौथा मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब राहुल साहू जी, जो कि मेरा अदारा के पैट्रोन भी है और वो दुबई से रहने वाले ताल्लुक़ रखते, वो इंटरनेशनल बिजनेसमैन भी है, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने ये इफ्तार किट्स का काम करने में मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। आज तकरीबन हम लोग यहाँ पर से 80 लोगों को दे रहे और एक रमज़ान से हम लोग स्टार्ट किया, आज जो 17 रमज़ान हो रहा है, तो अभी तक का हम लोगों ने 1000 किट्स विदाउट नो फोटो नो
वीडियो करते हुए हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। मेरे घर में लोग आते थे और लेकर जाते थे, लोग मेरे पास आते थे, मेरे पापा से कांटेक्ट करते थे कि हमको ये राशन का ज़रूरत है, ये चीज़ का ज़रूरत है। जितना भी होता मैं और राहुल साहू जी हम लोग दोनों मिलकर जितना हम लोगों से होता हम लोग करते हैं, और बाकी सपोर्ट करने के लिए इस्लाम पापा साहब है, फयाज सर है, नमरोज सर है। नेक्स्ट स्टेप हमारा साल में हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि 100 लोगों का बच्चा का फ्री में एडमिशन कराया जाए। तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया का बजट रहता है, वो हमारा जो पेट्रोन है राहुल साहू जी वही पैसा पूरा पे करते हैं, काम हम लोग करते हैं। तो हमारा आप लोग मीडिया के जरिए माध्यम से मैं गुजारिश करूँगा, अगर कोई बच्चा एडमिशन का अगर पैसा नहीं दे पा रहा है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरा फेसबुक में नाम भी है मोहम्मद शदाब खान, और मेरा मोबाइल नंबर है ले सकते हैं 9748208546, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और लोगों से मैं गुजारिश करूँगा अगर किसी भी तरह का कोई चीज़ का हेल्प चाहिए अगर मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, अगर मेरे से पॉसिबल होता है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए करूँगा। फिर से मैं राहुल साहू जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और तमाम मेहमान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमेशा सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।